नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं मेरे YouTube चैनल आस्था ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुत्ते से जुड़े शुभ और अशुभ संकेत बताने वाला हूँ। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसी घटना घट जाती है जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं रहता है, कुछ भी नहीं जानते कि हमारे जीवन में क्या घटना घटने वाला है। ऐसे में दोस्तों, अगर ये हो जाए कि हमारे साथ जो घटना घटने वाला है वह हमें पहले ही पता चल जाए तो अच्छा है कि नहीं? बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है हम लोग भविष्य देख सकते हैं। हमारे पूर्वज यानी कि जैसे हमारे ग्रंथ में, वेदों में लिखा हुआ ये सारी बातें हैं जो हमारे आने वाले भविष्य हमें बता देता है। दोस्तों, अगर आपको वेद का नॉलेज नहीं है, किसी तरह ग्रंथ आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं दोस्तों, अगर आप लोग उस बात को ध्यान रखोगे तो मेरी पूरी गारंटी है कि आप लोग अपने आने वाले भविष्य को पहले ही जान जाओगे। दोस्तों, हमारे जीवन में कुत्ता बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानवर माना जाता है। कुत्ता नहीं बल्कि कौवा, जितने भी तमाम जानवर है उन सभी की छठी इंद्रियां होती है। वह सभी लोग अभी भी भगवान से मिल सकते हैं और भगवान की दर्शन कर सकते हैं। मात्र एक मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो भगवान से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, तब जाकर उसे परमात्मा की दर्शन होते हैं। लेकिन दोस्तों, जानवर सब ज़्यादा परिश्रम ना करते हुए भी वो भगवान के दर्शन कर सकता है। ऐसे में दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी घटना घटने वाला रहता है वह सारी बातें जानवरों को पता चल जाती है और वह जानवर हमें बताने की कोशिश करता है। लेकिन जो भी जानवर होता है, जैसे कि मैं अभी कुत्ते के बारे में बताने वाला, तो कुत्ता बेजुबान होता है, वो आप लोगों को बात कह के नहीं बता सकता है, ना लिख के बता सकता है। वो अपनी हरकतों से आपको बता सकता है कि आपके साथ क्या होने वाला है, अच्छा होने वाला है या फिर बुरा होने वाला है। अब दोस्तों, कुत्ते की अगर एक्टिविटी को अगर आप देखोगे तो मेरी पूरी गारंटी आप लोग समझ जाओगे कि आपके साथ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इसी वीडियो में यही 10 बातें मैं आप लोग को बताऊंगा। ऐसे तो दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, मैं अनगिनत बातें हैं, मैं सबको अगर विस्तार से बताने लगा तो वीडियो करीब 2-4-5 घंटे का हो जाएगा, तो मैं उतना बड़ा नहीं बताऊंगा। मैं धीरे धीरे कर एक एक करके मैं सीरीज लेके आता रहूंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो आज मैं फिलहाल 10 बातें आप लोगों को बताने वाला, कुत्ते से जुड़े 10 शुभ और अशुभ बातें जो आपको करोड़पति तक बना देगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आप लोग कमेंट, प्लीज़ आप लोग कमेंट में एक बार ओम नमः शिवाय अवश्य लिखे, इससे आपके ऊपर महादेव की कृपा बनेगी और आपका जो बनता हुआ काम बिगड़ जाता है वह सारा काम बनने लगेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट में ओम नमस्ते अवश्य लिखेंगे, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदार को, अपने परिवार को, सभी को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके मैं आप लोग को 10 संकेत बता देता हूँ। तो दोस्तों, नंबर 1 पे आता है काले कुत्ते को शनिवार के दिन देखना। दोस्तों, अगर आप लोग काला कुत्ता को शनिवार के दिन देखते हो, आपको काला कुत्ता कोई दिन नहीं दिखता है, लेकिन शनिवार के दिन आप कोई भी कार्य करने जाते हो और आपको काला कुत्ता दिख जाता है शनिवार के दिन, तो यह आप लोग के लिए अशुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है, अगर आपके साथ यह घटना घट रहा है, तो आप लोग शनिदेव के मंदिर में जाकर 21 शनिवार तक यानी कि 21 शनिवार जाके सरसों के तेल का दिया अवश्य जलाएं। ऐसा करने से आपके ऊपर आने वाला कष्ट दूर हो जाएगा। दोस्तों, अगला संकेत, कुत्ता को रोजाना भोजन कराना। अगर आप लोग कुत्ता को रोजाना भोजन कराते हो तो आपका गया हुआ धन वापस आ जाएगा, आपकी नौकरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, बिजनेस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में आपको मन लगेगा, साथ ही साथ आपके ऊपर धन की अपार वर्षा होगी। लेकिन दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके ये बोलते हैं कि मैं 10 साल से कुत्ते को रोटी खिला रहा हूँ, 20 साल से खिला रहा हूँ, 5 साल से खिला रहा हूँ, 2 साल से खिला रहा हूँ। तो दोस्तों, आप जो रोटी या भोजन करा रहे हो कुत्ते को, तो इसका यह मतलब होता है कि आप निस्वार्थ भाव से नहीं करा रहे हो, आप उसे इस भाव से खिला रहे हो ताकि आपको उसका रिटर्न मिले। आपको कभी भी कोई भी सेवा करना है किसी भी जानवर का, तो आपको हमेशा यह याद रखना है कि आपको निस्वार्थ भाव से करना है, किसी भी तरह का उस जानवर से आपको स्वार्थ नहीं रखना है। अगर इस तरह से अगर आप कुत्ते को, बिल्ली को, कौवे को भोजन कराओगे तभी आपको फल मिलेगा। अगर आप किसी तरह के स्वार्थ रख के मन में आप भोजन कराते हो तो आपको कोई फल नहीं मिलने वाला है। तो जब भी आप कुत्ते को भोजन कराएं तो निस्वार्थ भाव से कराएं, तभी आपको उसका फल जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है सपने में कुत्ते को रोता हुआ देखना। दोस्तों, अगर आप लोग कुत्ते को सपने में रोते हुए देखते हो तो यह बहुत ज़्यादा अशुभ संकेत में आता है। अगर आप लोग सपने में कुत्ते को रोते हुए देख रहे हो तो समझ जाइए कि आपके जीवन में बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। हो सके आपके ऊपर धन की कमी आएगी, हो सके आपके ऊपर कर्ज बढ़ेगा, ये भी हो सके घर परिवार में किसी की तबीयत भी खराब हो सकती है। अगर सपने में आप कुत्ते को रोते हुए देखते हैं तो यह आप लोगों के लिए अशुभ संकेत
माना जाता है। तो दोस्तों इसे बचने के लिए आपको काला तिल काले कपड़े में लपेट के शनिवार के दिन आपको शनि मंदिर में दान करना चाहिए ताकि आपके ऊपर आने वाला कष्ट से आप बच सको। दोस्तों अगला संकेत है यानी कि चौथे नंबर पे आता है कुत्ता का आपको देखकर पूंछ हिलाना। अगर कुत्ता आपको देखकर पूंछ हिलाता है तो यह आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ संकेत होता है। ऐसे में दोस्तों अगर जब भी कुत्ता आपको देखकर पूंछ हिलाए तो समझ जाइए कि आप जिस भी कार्य में जा रहे हो या फिर किसी यात्रा में जा रहे हो तो आपका वह यात्रा सफल होगा। किसी कार्य में जा रहे हो तो कार्य भी आपका सफल होगा। तो आपको अगर कुत्ता देखकर पूंछ हिलाता है तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होता है और आपके जीवन में आगे बढ़ने का संकेत देता है। तो कुत्ता का पूंछ हिलाना शुभ माना जाता है। दोस्तों पांचवें नंबर पे आता है घर के पास आकर कुत्ता का मर जाना। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग देखे होंगे कि घर के पास आकर कुत्ता मर जाता है, आपके घर के दरवाजे के पास आकर कुत्ता मर जाता है। ऐसे में दोस्तों अगर कुछ ऐसा आपके साथ घटना घटित होता है तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अशुभ संकेत में आता है। ऐसा माना जाता है दोस्त अगर इस अवस्था में अगर कुत्ता मरता है, अगर आपके घर के पास आके मरता है यानी कि आपके दरवाजे के पास आकर मरता है तो समझ जाए कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कष्ट आने वाला है और आपके घर में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। तो ऐसे में दोस्तों अगर कुत्ता आपके घर के पास आकर मर जाता है तो यह बहुत ही अशुभ संकेत में आता है। इससे बचने के लिए दोस्तों आपको 21 शनिवार तक जाकर सरसों के तेल का दिया शनि मंदिर में जलाना है। ऐसा करने से आपके ऊपर आने वाला कष्ट दूर हो जाएगा। दोस्तों छठे नंबर पे आता है कुत्ता को गंदा पानी पीते हुए देखना। अगर दोस्तों आप कहीं जा रहे हो, यात्रा में जा रहे हो, किसी कार्य से बाहर जा रहे हो और देखोगे कि कुत्ता नाली का पानी पी रहा है, रोड में सड़क में गंदा पानी पी रहा है और आप उसे अनदेखा कर देते हो तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अशुभ संकेत होता है। अगर आप इस तरह के संकेत को अनदेखा कर देते हो तो आप जिस भी कार्य में जा रहे हो आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। और अगर आप यात्रा में जा रहे हो सके आपके साथ कुछ दुर्घटना घट सकता है। तो इस तरह का जब भी आपको संकेत मिले तो आपको कुत्ता को हमेशा स्वच्छ पानी जरूर पिलाना चाहिए। अब दोस्तों आप लोग का एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर वो पानी पी रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। दोस्तों कुत्ता किस सिचुएशन में गंदा पानी पीता है, उसे कहीं पानी नहीं मिलता है, इस आधार पर वो जाकर गंदा पानी का सेवन करने लगता है। इसलिए दोस्तों मैं आप लोग को यही बोलूँगा, आप लोग घर के पास एक चबूतरा जैसा बना दे, टब जैसा, और उसमें पानी अवश्य रखे ताकि गाय कुत्ता कोई भी जानवर आके पशु पक्षी आकर वहाँ से पानी पी सके। हम सभी को ऐसा जरूर करना चाहिए ताकि कोई भी जानवर प्यासे तो कम से कम नहीं मरे। तो दोस्तों मेरा आप लोग से कहना है कि आज ही आप लोग ऐसा जरूर व्यवस्था करें कि आपके घर के पास आकर कुत्ता गाय बकरी कोई भी जानवर आके पानी पी सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य पा सको। दोस्तों सातवें नंबर पे आता है कुत्ता का आपको देखकर भौंकना। दोस्तों अगर कुत्ता आपको देखकर भौंकता है तो यह एक अशुभ संकेत में आता है। लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पर यह भी उठ के आ जाती है कि आप देखते होंगे कि कहीं आप रास्ते से जा रहे अचानक आपको कुत्ता दौड़ा देता है। बहुत सारे केस में ऐसा सिचुएशन आया है, तो क्या ये शुभ होता है कि अशुभ होता है? नहीं दोस्तों, मैं इसके बारे में भी आप लोग को बता देता हूँ। अगर आपको देखकर सिर्फ आपको देखकर अचानक कुत्ता भौंकने लगता है यानी कि आप यात्रा में जा रहे हो और आपको देखकर दूर से ही कुत्ता भौंक रहा है तो इसका यह मतलब होता है कि आपको वह सतर्क कर रहा है कि आगे आपके लिए खतरा है, आपको थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। लेकिन आप बोलोगे कुत्ता जो दौड़ा देता है, तो कुत्ते जब आपको दौड़ाता है तो वो दोस्तों वो एग्रेसिव भाव में होता है, वो आपको नहीं बल्कि सभी लोगों को दौड़ाता है। तो ऐसे सिचुएशन में कोई सा संकेत नहीं होता है क्योंकि कुत्ता चिड़चिड़ा उस समय रहता है। लेकिन दोस्तों अगर किसी को नहीं भौंक रहा है और आपको देखकर निरंतर भौंके जा रहा है तो समझ जाइए आप लोग के अशुभ है और आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आगे कुछ गलत होने वाला है, तो इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए। तो जब भी अगर कुत्ता आपको इस तरह से संकेत दे तो आपको थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, 10-15 मिनट वहाँ पर आप रुक जाए और रुकने के बाद जाए ताकि आपके ऊपर आने वाला जो भी कष्ट है, संकट है, वो टल सके। दोस्तों आठवें नंबर पर आता है आपको देखकर कुत्ता का डरकर भाग जाना। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कुत्ता को देखकर इंसान डर के भाग जाते हैं, लेकिन बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है कि आप जिस भी जानवर के पास जाते हो, जैसे कुत्ते के पास जाते हो, और कुत्ता आपको देखकर डर के भाग जाता है, तो यह भी एक अशुभ संकेत होता है, यह भी एक चिंता का विषय हो सकता है। अगर आपको देखकर कुत्ता बार बार भाग जा रहा है, कोई भी कुत्ते के पास जा रहे हो भाग जा रहा है और बाकी लोगों के सामने भाग नहीं रहा है और आपको देखकर भाग रहा है, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, मतलब कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया हुआ है ताकि आपको अपने बस में कर सके। तो दोस्तों अगर आपका शत्रु आपके ऊपर हावी हो जाता है तो कुत्ता आपको देखकर डर जाता है और वहाँ से वो भागने लगता है, तो आपको यह संकेत देता है कि आपके आने वाले जीवन में बहुत कष्ट आने वाला है।
तो जब भी आपके शत्रु आप पर हावी हो, आप घी लगाकर कौवे को रोटी अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से आपका शत्रु आप पे हावी नहीं होगा और उल्टा वो उसी के ऊपर गलत हो जाएगा, अगर आपके साथ जो गलत करना चाह रहा है। दोस्तों अगला संकेत आता है कुत्ता का कचड़ा में खाना खाते हुए देखना। दोस्तों यह भी एक गलत संकेत होता है, अगर कचड़े में गंदा खाना कुत्ता खा रहा है तो यह भी एक चिंता का विषय हो सकता है। अगर आपके घर के आसपास कोई कचड़ा है, आपके घर के आसपास अगर कुत्ता को कचड़ा खाते हुए देख रहे हो तो समझ जाए कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, हो सके आगामी भविष्य में आपके ऊपर अन्न की कमी हो सकती है। तो ऐसे में दोस्तों जब भी कचड़ा खाते हुए कुत्ता को देखे, गंदा खाना खाते हुए देखे, तो आप उसे रोके और आप लोग जरूर एक काम करें कि आप लोग कभी ना तो कम से कम एक रोटी कुत्ते को अवश्य खिलाएं ताकि कुत्ता भी भूखा ना रहे। दोस्तों अगला संकेत यानी कि 10वां नंबर पे आता है जो बहुत सारे लोग यह गलती करते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों गलती यह है कि हम में से बहुत सारे लोग कुत्ते को डंडे से मारकर भगा देते हैं। तो अगर आप लोग ऐसा करते हो, कुत्ते को डंडे से मारते हो, तो यह बहुत ही ज़्यादा गलत कार्य करते हो आप लोग। अगर ऐसा करने से भैरव बाबा आप पे नाराज होंगे, शनिदेव की आपके ऊपर प्रकोप देखने को मिलेगा, आपके ऊपर आने वाला कष्ट बहुत तीव्र हो जाएगा और आप जो भी कार्य करोगे उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगा। कुत्ते को जब भी आप देखो, अगर आपको किसी तरह की समस्या है, तकलीफ है, तो आप उसे वहाँ से भगा दो, लेकिन डंडे से मार के नहीं। अगर आप लोग किसी तरह का अगर उसे क्षति पहुँचाते हो, किसी तरह का दर्द देते हो, तो आगामी भविष्य में आपके साथ वही घटना दोबारा घट सकता है, आपको भी दर्द मिलेगा और आपके ऊपर भी किसी तरह का कष्ट आ सकता है। तो कुत्ते को कभी भी डंडे से ना मारे, इससे आपके ऊपर कर्ज बढ़ सकता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप में से यह जानकारी सभी लोगों को पसंद आया होगा। जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को, रिश्तेदार को, परिवार को, सबको शेयर कर दीजिएगा ताकि आने वाला जो भी मैं वीडियो डालूँ वह भी उन लोगों के पास पहुँच सके। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।